राजधानी इंदौर में देर रात लसूड़िया थाना अंतर्गत एक होटल के बाहर अज्ञात कार सवार बदमाशों द्वारा कर्मचारियों पर किया गया गोली से हमला। बाल बाल बचा कर्मचारी, पूरी घटना पास में लगे हुए सीसीटीवी में हुई कैद। दरअसल मामला देर रात लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर सर्विस रोड पर स्थित होटल सिल्वर गोल्ड के कर्मचारी इशाक रोजाना की तरह ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान कार सवार दो युवक अज्ञात बदमाश कार से बंदूक निकालकर कर्मचारी पर गोली चला दी। गनीमत यह रही कि कर्मचारी बाल बाल बच गया। काफी देर तक हंगामा भी चलता रहा। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आने से पहले ही आरोपी कार लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, किस तरह की जानकारी मिली आपको, कुछ गोली चलने के बाद सामने कुछ फुटेज आए? हाँ, ये गोली चलने की सूचना आई है। फरियादी से बात करके इसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं। सर, ये कहाँ की घटना बता रहा है? बॉम्बे हॉस्पिटल सर्विस रोड होटल सिल्वर की है। सर, उसके सामने मिले हैं पुलिस को? हाँ, फुटेज भी मिले हैं, उनको भी देख रहे हैं। इधर क्या हुआ था भैया? मैं होटल पे भैया से मिलने गया था। शिवपुरी से दो भैया आए थे, उनसे मिलने गया था। वहाँ से मैं नीचे उतरा, मैं अपने घर जा रहा था, तो एक लड़का, मैं उसको जानता नहीं हूँ, दो पिस्टल लेके खड़ा था। उसके बाद उसने मेरे एक पिस्टल मेरे पेट पे लगाई, दूसरी पिस्टल मतलब एक कंधे पे हाथ तक के, मतलब ऐसे सर की साइड पिस्टल लगा के वो मेरे को बोला कि तू माधवचोद तू बाहर कैसे जा रहा है, तू अंदर जा। मैंने बोला, मैं कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे। मैं डर के इतना गया था, मैं कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद में उसने एक पिस्टन चलाई तो मैं भाग गया वहाँ से। उसके बाद क्या बोलना पड़ रहा था कि तू क्या कुछ बोलना पड़ा था? नहीं, कुछ नहीं, कि तू बाहर कैसे जा रहा है। मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानते। आज से वाइट कलर की क्रेटा थी, मैंने उसका नंबर भी फोटो खींच रखा है। ईशांक मिश्रा। कितने फायर किए उन्होंने? एक फायर किया भैया। कहाँ पे घटना है? ये होटल सिल्वर की है, बॉम्बे हॉस्पिटल सर्विस रोड पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो होटल पे काम करता था क्या पहले, जो जिसने चलाई? मेरे को नहीं, मैं नहीं जानता उसको, मैंने कभी नहीं देखा आज से पहले। ईशांक मिश्रा। चलो ना भाई, जो बता रहा है यहाँ कोई बता।